गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 58। शरारती बंदर। एक शरारती बंदर की कहानी है ये। एक मीकू नाम का बंदर था, वो बहुत ज़िद्दी था। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे चाँद चाहिए। तो उसकी माँ ने बताया कि चाँद तो आसमान में रहता है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। तो मीकू ने अपनी मम्मी की बात नहीं सुनी, तो उसने क्या करा, माँ ने क्या करा, एक बाल्टी में पानी भरा और उसमें मीकू को चाँद दिखा दिया। जो ऊपर था ना, उन्होंने बाल्टी को ऐसे भरा कि उसमें चंद्रमा दिख सके। मीकू ने जैसे ही चांद को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, माँ के हाथ से में जो नीले रंग का डिब्बा था वो पूरा किसमें गिर गया, मीकू के ऊपर गिर गया। अब मीकू कैसे रंग का हो गया, पूरा नीले रंग का हो गया। मीकू की मम्मी ने उसको हिलाया, लेकिन वो रंग इतना पक्का था कि वो निकल ही नहीं रहा था। फिर अगले दिन मीकू जब जंगल में खेलने के लिए निकला, तो उसे जंगल के लोग देख कर हंसने लगे। और वो जो हंस रहा था, मीकू को अच्छा नहीं लगा। तो उसने क्या करा, रंग का डिब्बा लाकर सभी जानवरों के ऊपर वो रंग डाल दिया जो उसके ऊपर डला था। जब सब जानवर नीले रंग के हो गए, तो कोई भी पहचान नहीं सका, पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन क्या है। फिर एक दिन क्या हुआ, मीकू पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसने किसी को अपनी और मतलब उसके अपनी तरफ जाते हुए देखा। तो उसे लगा कि कोई उसका दोस्त होगा। नीला रंग होने के कारण वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। मगर जैसे ही कुछ पास में आया, तो मीकू को लगा कि ये राजा शेर सिंह है। मगर वो कुछ देर बहुत देर हो गई थी, इसके पहले मीकू कुछ कहता, इसके पहले ही शेर सिंह ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। अब ये कहानी को हम शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्ट। पाठ 15, शरारती बंदर। मीकू नाम का एक बंदर था, वह बहुत ही हट्टी था। हट्टी मतलब होता जिद्दी। जो बंदर था उसका नाम क्या था, मीकू। एक दिन उसने अपनी माँ से चांद मांगा। एक दिन मीकू ने अपनी मम्मी से कहा, मुझे चांद चाहिए। माँ ने उसे समझाया कि चांद आसमान में है, उसे कोई नहीं छू सकता। उसकी माँ ने बताया कि चांद हमसे बहुत दूर है, उसको कोई छू नहीं सकता। मगर मीकू ने माँ की एक भी बात नहीं सुनी। माँ ने बाल्टी में पानी भरा और उसमें मीकू को चांद की आकृति दिखाई। तो माँ ने क्या करा, बाल्टी भरी और उसमें उसको चंद्रमा दिखाया मीकू को। मीकू ने जैसे ही चांद को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, माँ के हाथ में नीले रंग का जो डब्बा था, उसका सारा रंग मीकू के ऊपर गिर गया। मतलब उसकी माँ ने जैसे ही हाथ बढ़ा, मीकू ने जैसे चंद्रमा को पकड़ना चाहा, तो मैं उसकी मम्मी को धक्का लगा और जो उनके हाथ में डब्बा था वो पूरा मीकू के ऊपर गिर गया। तो अब मीकू किस कलर का दिखने लगा था, नीले रंग का। माँ ने मीकू को नहलाया, मगर रंग था कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ ने उसको नहलाया, लेकिन उसके ऊपर का रंग निकला ही नहीं। मीकू अगले दिन जंगल में खेलने के लिए निकला, तो उसे देखकर जंगल के सभी जानवर हंसने लगे। जब अगले दिन मीकू जंगल में खेलने गया, तो जो उसके और जानवर साथी थे, वो सब उसको देखकर हंसने लगे। उनका हंसना मीकू को अच्छा नहीं लगा। वह घर गया और रंग का डिब्बा लाकर सभी जानवरों के ऊपर नीला रंग डाल दिया। जब सब जानवर उसके ऊपर हंस रहे थे, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने क्या करा, जो उसके हाथ में नीले रंग का डिब्बा था, उसने लाकर सभी जानवरों को डाल दिया। अब जंगल के सभी जानवर नीले रंग के हो गए। जब उन्होंने नीले रंग का डब्बा जंगल के जानवर पर डाल दिया, तो जितने भी जानवर थे वो सब किस रंग के हो गए, नीले रंग के। कोई किसी की पहचान में नहीं आ रहा था। सब जानवर एक जैसे दिख रहे थे, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन मीकू पेड़ के नीचे बैठा था, उसने किसी को अपनी ओर आते हुए देखा। मीकू एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था, उसको समझ में आया कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। उससे लगा उसका कोई मित्र है। नीला रंग होने के कारण वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसको ऐसा लगा कि मेरा कोई दोस्त है, लेकिन उसका रंग भी कैसा था, नीला रंग का था वो, और उसको वो पहचान नहीं पा रहा था। मगर जैसे ही वह कुछ समीप आया, मीकू समझ गया कि यह जंगल का राजा शेर सिंह है। जैसे ही लेकिन उसके पास में आया, तो मीकू उसको पहचान गया कि यह शेर सिंह है। मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक क्या हो गया था, बहुत देर हो गई थी। मतलब मीकू इससे कुछ समझ मीकू इससे पहले कुछ कर पाता, शेर सिंह ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। तो मीकू कुछ सोचता, इसके पहले ही शेर सिंह ने उसको अपने पंजों में जकड़ लिया। तो मतलब बंदर ने क्या शरारत की थी, खुद नीले रंग का हो गया था, उसने अपने साथी दोस्तों को भी नीले रंग का। कभी कभी भी शरारत नहीं करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए और किसी भी चीज़ की जिद नहीं करना चाहिए। आया समझ में? तो आप लोग भी कभी शरारतें नहीं करना। इस पार्ट को आप एक बार और पढ़ के देखिएगा, हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।